लेकिन जो आपकी हार्ट बीट तेज होगी वो किसके कारण होगी, हॉर्मोन्स के कारण होगी।
करूंगा ये उसका क्या ठीक है। यहाँ पे ये बताओ स्लो का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ बोल बेटा ये क्लियर। तो मैंने क्या बोला यार, देखो मैंने ये बोला कि हमारी बॉडी का जो पूरा कंट्रोल हो रहा है, पूरा कंट्रोल हो रहा है वो आपको पता है ब्रेन से हो रहा है। और ब्रेन भी किससे बना है? न्यूरॉन से। किससे बना है? न्यूरॉन से। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारी पूरी बॉडी में जाल बना हुआ है, जाल सही है किसका? नर्व का। और नर्व किससे बनी होती है? न्यूरॉन से। आपका ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन से। स्पाइन कॉर्ड किससे बनी है? न्यूरॉन से। तो जितना भी हम अब एक तो ये हो गया नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स द्वारा कंट्रोल रहा है, अपनी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नर्वस सिस्टम हो गया। एक होता है बेटा आपकी बॉडी में आपको पता होगा एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिनसे क्या होता है हार्मोन का क्या। अच्छा एंजाइम का काम क्या होता है? वो तो डाइजेशन होता है, वो तो हमने पढ़ लिया। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसकी हम बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीनियल होती है, थायमस होती है, सही है, एड्रिनल होती है, जिनसे क्या होते हैं हार्मोन के सीक्रेशन होते हैं। किसके होते हैं? हार्मोन। और बेटा इससे भी हमारी बॉडी क्या होती है? कंट्रोल होती है। समझ गया आपको इतनी बात? तो पूरा जो आप एक बताओ, मैंने आपको था लिविंग वर्ल्ड में एक चीज बताई थी, जो बच्चे जो चीजें मारे थे, मैंने कहा था कि जो लिविंग होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, डिफाइनिंग फीचर बताया लिविंग का, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। क्या होती है बेटा? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि अगर कोई लिविंग है तो वो हमेशा उससे कोई भी स्टिमुलस दो वो उसके प्रति क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? रिस्पॉन्स। और जो रिस्पॉन्स देगा वही क्या होगा? लिविंग। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी रखा था वहां पे कि अगर कोई पेशेंट कोमा में पेशेंट है, कोमा का मतलब ब्रेन वगैरह का बैठ चुका है, सब भूल चुका है, कौन ब्रेन बाहर है कौन बाहर है, ठीक है सब भूल चुके हो, और उसका जो खाना पीना चलता है वो भी मशीन के द्वारा देता है, तो उन्हें बुझा कि वो पेशेंट होगा वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग। तो अकॉर्डिंग टू द, अगर हम उसकी अकॉर्डिंग बात करें कि आपका लिविंग के फीचर के अकॉर्डिंग बात करें, तो वो कैसा होगा? नॉन लिविंग। कैसा होगा? नॉन लिविंग, क्योंकि उसका ब्रेन पूरा क्या है? डेड है। तो एक और बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे कौन से एनिमल से स्टार्ट होता है, तो बेटा एक और बताओ, जब मैंने आपको कोरिफेरा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कोरिफेरा में लिखवाया था ऑलमोस्ट नर्वस सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? लेकिन जो सीलेंटेड होते हैं वहां पे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, वहां पे नर्व एंड मिलता है, यानी कि लेकिन ब्रेन ये जब नहीं मिला कि ब्रेन होगा तभी नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का मतलब अगर न्यूरॉन्स है तो उसके अंदर सेंसिटिविटी होगी, सही है। तो सीलेंटेड यानी कि हाइड्रा वाले फाइलम से स्टार्ट हो जाता है लगभग लगभग। और आपको पता है ब्रेन वगैरह तो तब बनता है जब हम ये आर्थ्रोपोड इधर आ जाते हैं, प्रेडियार्मेंटिस आगे, ठीक है, तो ब्रेन बन जाता है, प्रेडियार्मेंटिस बनता है हमारा हेड, तो ब्रेन बनता है प्रेडियार्मेंटिस से। तो जो नीचे के फाइलम है उनमें अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो क्या उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है? है, तब भी है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है उनके अंदर, लेकिन बेटा उनके अंदर ब्रेन नहीं होता और क्या नहीं होता? स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। लेकिन एक और बताओ, स्पाइनल कॉर्ड वैसे नहीं होगा तो उनके अंदर कॉर्ड बहुत बड़े कॉर्ड नहीं होता। इसके बाद सुनो, क्या पूरी तरह जो फायदा होता है तो हम तो उसके एनिमल को नॉर्मल भी बोल देंगे अगर नर्वस सिस्टम नहीं है? नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि उनके पास एक टाइप की सेल होती है, बोलते हैं पिनेकोसाइट। मैंने वहां लिखवाया था, क्या बोलते हैं? पिनेकोसाइट सेल होती है जो क्या करती है? सेंसिटिविटी देती है। उन्हें भी पता होता है पूरी तरह फाइलम के एनिमल्स को, यानी कि स्पंजियों को, क्या ये पानी ठंडा है या गर्म है, या फिर ये हमारा खाना है या नहीं है, उनको अंदर भी सेंसिटिविटी होती है। लेकिन उन्हें कौन देता है? पिनेकोसाइट सेल। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पूरी तरह जो फाइलम होता है उसमें नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। क्या होता है? जो अगर आपको मुझे नर्वस सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है तो आप कहोगे सीलेंटेड से। कहाँ से होता है? सीलेंटेड, मतलब हाइड्रा से स्टार्ट होता है। लेकिन बेटा पूरी तरह में सेल होती है कौन सी? पिनेकोसाइट सेल होती है, जो क्या देती है? एयर। उसके लिए स्पंज के लिए क्या देती है? सेंसिटिविटी। क्लियर हो गई सब बातें? क्लियर हो गई? चलो अगले बढ़े। हेपेटिक
चलता है और हेमेटिक ग्लोबुल्स किससे बने होते हैं? हेमेटिक सेल्स से। ऐसी आपके बेटा जैसे आपकी बॉडी होती है पूरी सेल्स से बनी हुई है, लेकिन हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल होती है जो अलग अलग फंक्शन करती है। ऐसी हमारी नर्वस सिस्टम की सेल होती है, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है, क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी। ठीक है, तो एक बार आपको हरी डाल बेटा चलो इसका डायग्राम बनाए थे। Thank you.
निकाला 500 की रकम बोल रहा है ये किसकी है उसका सब कुछ थोड़ी बात है तो वहां से देखना है साहब उसके देखिए ऐसे पैसा का उसको ना न्यूरॉन्स का काम क्या होता है
इसका काम होता है इंपल्स को ट्रांसमिशन करना। क्या करना होता है? इंपल्स को ट्रांसमिशन कनेक्ट करना। भाई आपको जैसे कि मैंने अपने आप को यहाँ रख दिया, अब यहाँ से इंपल्स जनरेट होगी और यहाँ से होते हुए मेरे ब्रेन तक पहुंची, तब जब अगर मैं मार्केट से जाती हूं, इसके बाद देखो तो यहाँ पे कैसे इंपल्स ट्रांसमिशन होता है। ये न्यूरॉन्स क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल है। इसका पहला पार्ट जो होता है ये, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। और जो बीच वाला हिस्सा होता है ये इतना, इसे बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? इसे साइटोन बोलो या सेल बोलो, वो बात है। ठीक है, इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं और डेंड्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, साइटोन हो गया। और जो नीचे वाला ये होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं एग्जोन। तो अगर आपसे मुझे कि न्यूरॉन्स के बताओ कितने पार्ट होते हैं, आप बोलोगे डेंड्राइट्स, साइटोन और एग्जोन। क्लियर? अब देखो बेटा, जो साइटोन वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, ये सेल है न्यूक्लियस होगा। इसके बाद इसमें बाहर होता है, तो होते हैं न्यूक्लियस, या वो बोलते हैं नीडल्स ग्रैनुल्स। क्या बोलते हैं? नीडल्स ग्रैनुल्स। इसके बाद देखो जो एग्जोन वाला एरिया होता है, कौन सा? एग्जोन वाला। ये एग्जोन वाला एरिया होता है, इसकी जो मेंब्रेन होती है उसे बोलते हैं एग्जोलेमा। क्या बोलते हैं? कौन मोबाइल चला रहा है? वो भाई ने मोबाइल चला रहा है बेटा, ये तमाम हो गया बंद कर। इसके बाद देखो ये क्या होता है? एग्जोन की मेंब्रेन। क्या है? एग्जोन की मेंब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? एग्जोलेमा। सही। इसके बाद अगर हम बात करें जो एग्जोन होता है, इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होता है उसे बोलते हैं एग्जोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एग्जोप्लाज्म। तो एग्जोन कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से लेकर यहां तक पूरा एग्जोन होता है इसका। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर सेल होती है, बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। और जो ये बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बेटा माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। इसके लिए काम होता है, काम होता है। ठीक है, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ हो गया। और जो माइलिन शीथ के बीच में गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? और इसके बाद एग्जोन टर्मिनल हो गया ये। और ये जो बीच में बल लगे स्ट्रक्चर है बेसिकल लाइक, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोड। अब देखो कि बात सुनो बेटा, क्या होता है? देखो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे क्या होती है? इम्पल्स जनरेट होती है। क्या होती है? इम्पल्स जनरेट होती है। आपको पता होगा जब भी कोई इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, अब आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ध्यान से ये सोचना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा नहीं दिखा रहा क्या होता है। जैसे करंट फ्लो होता है, आपको दिखता है करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। अगर हम बात करें इम्पल्स जनरेट होती कैसे है, तो आपको बताऊंगा यहाँ पे आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन्स। जैसे सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, ये हो गए। तो यहाँ पे चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं होगा? तो इन आयन्स के एक्सचेंजमेंट से, एक्सचेंजमेंट मतलब होगा, देखो एक बार बताओ, जो इम्पल्स ट्रांसमिट होगी, ध्यान समझे ना, इम्पल्स ट्रांसमिट होगी वो किस तरह होगी? एग्जोन की तरह। किस तरह होगी? एग्जोन की तरह। बेटा अब देखो नर्व किसे बोलते हैं? नर्व। ये एग्जोन है, ऐसे ही फिर से एक एग्जोन जुड़ा होगा इसके नीचे, फिर एग्जोन होगा, वही क्या बन जाएगी? नर्व बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नर्व। तो पूरी नर्व होती है, मैंने आपको बताया था, सेंसरी होती है, मोटर होती है। सेंसरी नर्व होती है जो खबर को लेके जाती है हमारे ब्रेन तक, जो भी खबर जा रही है हमारे ब्रेन तक, वो किस तरह जा रही है? सेंसरी। जैसे मैं देख रहा हूँ, तो मैंने जो देखा, तो उसके बाद मुझे भाई आंखों ने देखा था, लेकिन आंखों को ये इतना पता ही कौन है, वो तो ब्रेन ने अनालाइज किया ना कि ये ब्रेन वाला है। तो बेटा अब क्या होगा, ये जो ब्रेन, अगर आपको तो आपको लगता है ये सब क्या पता नहीं चल रहा है, आप तो ये सोचो बेटा, अगर ब्रेन आपका डैमेज हो जाए, यानी कि ब्रेन काम करना बंद कर दे, तो आप किसको भी, किसी को भी देखना, आपको पता चलेगा ये कौन है? आपको मतलब कोई इंसान खड़ा है कौन, लेकिन है कौन, आपको समझ नहीं आएगा कि ये है कौन, ब्रेन वाला ये कौन, ठीक है? लेकिन आपका एनालाइज कौन करता है ब्रेन? जैसे आपने कभी ऐसा होता है कि आप शादी में गए, वहाँ आपने देखा कि बहुत दिनों बाद कोई सुन देगा, बहुत पहले देखा होगा, अब आप कैसे करते हो? लेकिन जो खबर जा रही है तब आप समझ पा रहे हो बोल रहा है। तो ये जो इम्पल्स जाती है वो मैंने क्या बताया था, सेंसरी नर्व की ओर आती है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स की ओर आती है, और उसको बोलते हैं अपफ्रंट नर्व। क्या होते हैं? और जो खबर आती है, अब भाई उसका इफेक्ट भी तो होता है बॉडी का। जैसे आपने आपने कोई सुन रहे हो, आपको तो आप बैठे पड़े हो, लेकिन अभी आपको ऐसी स्टिमुलस दी जाए कि आपको हाथ चलाना पड़े, जैसे मुझे
लगाना पड़ रहा है। तो ये जो बॉडी से बार बार ये आ रहा है इन्फॉर्मेशन, वो किससे आ रहा है? मोटर नर्व द्वारा। किस द्वारा आ रहा है? मोटर नर्व द्वारा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने कहा इम्पल्स जनरेट होती है जब कोई इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। कहाँ होती है? ट्रांसमिट। तो बेटा देखो एक बात समझो, जैसे ये क्या है? साइटोन। क्या है? और ये माध्यम डेंड्राइट। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। और ये क्या है? एक्सॉन। क्या है? और ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ये तो ऐसे जो है। अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब जो दूसरा न्यूरॉन से जुड़ा होगा वो ऐसा नहीं होता, जैसे आप लोग तार जोड़ते हैं, ये बस लैब पर वो पता ही जोड़ देते हैं, कटखंड जाता है। यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। तो ये देखो ये क्या हो गया बेटा, दूसरे न्यूरॉन में डेंड्राइट हो गया, ये क्या हो गया? साइटोन। और इसके बाद ये क्या हो गया बेटा? एक्सॉन। और ये क्या हो गया? फिर से एक्सॉन टर्मिनल, फिर से डेंड्राइट, फिर से क्या होगा? साइटोन, फिर से एक्सॉन और फिर से एक्सॉन टर्मिनल। अब ये क्या हम देख नाम बन रही है। अब देखो होता क्या है बेटा, जो जो इम्पल्स हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, इम्पल्स अगर बढ़ती है तो पहली बात तो हम क्या ध्यान रखना है कि उसका सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है। पहले डेंड्राइट, कैसा होता है बेटा? डेंड्राइट। इसके बाद ए साइटोन, और इसके बाद एक्सॉन, और इसके बाद डेंड्राइट, इसके बाद फिर डेंड्राइट। समझ गए आप लोग? अब देखो अगर इम्पल्स जनरेट होती तो हम लोग पहले तो पढ़ते हैं एक्सॉन वाले पार्ट में। कहां पढ़ते हैं? मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन एक्सॉन। और इसके बाद जो ये एरिया होता है जहां पे जॉइंट होता है इसका, डेंड्राइट का और इसका एक्सॉन टर्मिनल का, इस जगह को बोलते हैं बेटा साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। तो ये तो क्या, एक ओके दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाली जगह होती है, गैप होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। और जो ये वाला है ये क्या ट्रांसमिशन हम एक्सॉन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? एक्सॉन का। तो आप लोग बताओ अगर मैंने इम्पल्स ट्रांसमिशन एक्सॉन का पढ़ लिया और साइनेप्सिस का पढ़ लिया तो पूरा हो जाएगा। तो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सोनिमा होती है, एक्सोनिमा ये क्या होता है बेटा, जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन होते हैं वो अंदर और बाहर जाते हैं, कहलाते हैं अंदर और बाहर। जब आयन्स का एक्सचेंजमेंट होता है तो कोई इम्पल्स होती है, ट्रांसमिट होती है। क्या होती है? इम्पल्स। जब किस पे? एक्सोनिमा पे। किस पे होता है? एक्सोनिमा। बताएंगे अब टेंशन। अब क्या होता है बेटा, जो माइलिन शीथ होती है, क्या क्या होता है वो समझो आप। ये जो माइलिन शीथ होती है ये इंसुलेटर काम करती है। क्या करती है? इंसुलेटर का। कैसा करती है? और बेटा इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? पूछा था यार, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। कुचालक सुनो क्या कर रहा है बेटा, वीडियो बना रहा है मेरे लिए। तो ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ? चला रहा है मुझे बस मस्त हो रहा है। मतलब तो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये देखो वीडियो बना रहा हूं। ए ये देखो भाई, जैसे ये है इस पे बताओ अगर मैं करंट फ्लो कर पाऊं तो इस पे करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कैसा है? इंसुलेटर। कैसा काम करती है? इंसुलेटर। और जो जिस पे करंट फ्लो होता है उसे सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक का करंट है ऐसा बोलते हैं। और जिस पे नहीं होती है तो क्या बोलते हैं? कुचालक। तो ये जो होती है ये इंसुलेटर का वर्क करती है माया जी। अब ध्यान समझना बेटा, एक बात बताओ अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि माइलिन शीथ का बल्क क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो आप बोल दोगे कि माइलिन शीथ का काम होता है कि जो इंपल्स ट्रांसमिट हो रही है कंडक्ट हो रही है उसको तेज करना। क्या होता है? तेज करना, इंपल्स को तेज करना। अब ये करता कैसे सोचते हो बेटा, एक बात बताओ अगर मैं आयंस का एक्सचेंजमेंट पूरी एक्सोनिमा कर रहा हूं, ध्यान समझना, पूरी एक्सोनिमा कर रहा हूं तो क्या हल्के नहीं होगा? कंपेयर टू अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ खाली, यहाँ कर रहा हूँ खाली, यहाँ कर रहा हूँ खाली, तो क्या होगा? जल्दी होगा। अभी आपसे मैं कहूँ कि आप लोग ऐसे करो, ऐसे करके वहाँ खाली करोगे, आप ऐसे करो कदम रखते ना तो चलोगे। तो यहाँ पे इंसुलेटर क्या करता है, यहाँ पे जो जो इंसुलेटर का वर्क क्या होता है कि यहाँ जो ये होता है माइनस सी, ये यहाँ पे आयंस का एक्सचेंजमेंट नहीं करवाती है। तो पता है कैसे होता है? यहाँ होगा, इसके बाद कहाँ होगा? यहाँ होगा, इसके बाद क्या होगा? यहाँ होगा। तो ये फास्ट चलेगी, क्या होगी इम्पल्स? क्या होगी? फास्ट। यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग जंपिंग, जंपिंग ट्रांसमीटर। यानी कूद कूद ट्रांसमीटर होगा, यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो ये बहुत फास्ट होगा। तो हम लोग बात करेंगे अगले इसकी कि माइलिन शीथ इन्सुलेटर काम करती है और क्या करवाती है, किसी भी इम्पल्स को तेज करवाती है। तो ये फास्ट मूवमेंट करवाती है। अगर माइलिन शीथ नहीं है तो कौन सा, ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं माइलिन शीथ नहीं होती है, और ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं माइलिन शीथ होती है। जो हमारे ब्रेन में उसे माइलिन शीथ नहीं होती है, उनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और जिसे माइलिन शीथ है उसे क्या बोलते हैं?
माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्लियर? तो आप लोग बताओ, ये बताओ आप लोगों को इस न्यूरॉन के बारे में जरूर पूछना, क्या-क्या पार्ट होते हैं इसके, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, मेम्ब्रेन, एंडोडर्मा, अंदर लिक्विड भरा होगा उसको एक्टोप्लाज्म, इसके बाद जो माइलिन शीट होगी, माइलिन के अंदर सेल कौन से होंगे, स्वान सेल, और माइलिन शीट के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन के टर्मिनल होते हैं, इसके बाद एक्सॉन टर्मिनल क्या होती है, साइनेप्टिक नोड, और इसमें भी इसका भी काम होता है, उसके अंदर भरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, जब हम एक इंपल्स इधर से इधर जाएंगे तो वो वर्क करता है। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे। तो आपको ये बताओ पहले आप न्यूरॉन्स के बारे में समझे, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर हमारे क्या क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, चलो तो आपको इस बारे में कुछ पॉइंट देखा। डायग्राम नीचे देखो, देखो न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम, यूनिट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम। बेटा एनसीईआरटी का तो हो गया, ये बात करना था अपन नर्वस टाइम पढ़ा हूं, एनसीईआरटी का यूनिट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर भी कौन दे रहा है, न्यूरॉन्स, और फंक्शन भी कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स। तो यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या होती है, न्यूरॉन्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लो बेटा, देखो न्यूरॉन्स आर द एक्सलेबल सेल, ये है ना, थ्री मेजर पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बेटा, तीन होते हैं मेजर पार्ट, थ्री मेजर पार्ट। नंबर वन लिखो बेटा साइटोन, नंबर वन क्या लिखो, साइटोन, इसका उसका नाम क्या होता है, सेल बॉडी, ठीक है, साइटोन। नंबर टू लिखो डेंड्राइट, नंबर वन लिखो साइटोन, नंबर टू डेंड्राइट, डेंड्राइट। अबे अभी तो लिखा हुआ है ठीक है, यह है अभी भी आप ले रहे हो। और नंबर तीन लिखो एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो यानी कि इंफॉर्मेशन डायरेक्शन फ्लो क्या होता है, सबसे पहले वो डेंड्राइट, इसके बाद एरोनाओ, और लिखो बेटा साइटोन। डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि इंपल्स, ऐसे कुछ भी लिख लो, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, कौन सी डायरेक्शन में वो क्या लिखा आपने, डेंड्राइट, इसके बाद एरो बनाया साइटोन, इसके बाद लिखो एक्सॉन, और इसके बाद एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, वही डायरेक्शन आ गया जो ये वाला, डेंड्राइट, इसके बाद साइटोन, इसके बाद एक्सॉन, इसके बाद एक्सॉन टर्मिनल, इसके बाद अगला डेंड्राइट, सही। तो
तो क्या देखा आपने एक्सेलेरेटर नहीं लिया, इसके बाद फिर आना हो देखो डैन ड्राइव, यानी कि अगले बार में लॉन्च होगा, समझ गए? नहीं है बेटा इतना क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग एक ए हैरी का रो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो आप लोग पहले इनको नंबर वन हम लोग पहले पढ़ेंगे बेटा, किस टाइप के होते हैं, किसके बेस पे, डेंड्राइट और एक्सॉन बेस पे, किसके बेस पे, डेंड्राइट और एक्सॉन के बेस पे। तो आप लोग नंबर वन देखो बेस ऑन द, देखो बेस ऑन द, बेस ऑन द, बेस बेस ऑन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, यानी कि अभी मैं बता रहा हूँ बेटा आपको एक्सॉन और डेंड्राइट के बेस पे न्यूरॉन्स कितने टाइप होते हैं, ठीक है? तो आप लोग देखो सबसे पहले देखो देखो कितने टाइप होते हैं, समझो तीन टाइप होते हैं, टाइप होते हैं तीन टाइप के, एक होते हैं बेटा यूनिपोलर, कैसे होते हैं, एक होते हैं बाईपोलर, और ये कैसे होते हैं, मल्टीपोलर। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो यूनिपोलर होता है यूनिपोलर उसमें बेटा डेंड्राइट अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, तो डेंड्राइट अब्सेंट और एक्सॉन तो होगा ही होगा, तो ये क्या रखा हो, ये साइटोन और ये क्या है बेटा एक्सॉन, और डेंड्राइट ऊपर क्या है अब्सेंट, तो अगर डेंड्राइट अब्सेंट है और एक्सॉन साइटोन है तो न्यूरॉन क्या होगा, डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्या न्यूरॉन्स के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये बेटा हां बिल्कुल सही, देखो हां देखो ये डाटा ट्रांसफर नहीं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं खाली, जो बच्चा छोटा होता है वो मतलब पेट होता है, तो आप लोग इस तक यूनिपोलर होते हैं, ठीक है? तो आप लोग पहले क्या नंबर वन देखो यूनिपोलर, नंबर वन देखो यूनिपोलर, हमारे अंदर में ट्रांसफर कैसे होगा, डायरेक्ट होगा ये, देखो बेटा यूनिपोलर, यूनिपोलर का डैश लगाओ, और देखो साइटोन विद, साइटोन विद, साइटोन विद वन एक्सॉन, साइटोन विद वन एक्सॉन, हर केस में एक्सॉन तो एक ही होगा लेकिन डेंड्राइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है? साइटोन विद वन एक्सॉन ओनली, ठीक है? और बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी में, देखो फाउंड 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 इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है? ये क्वेश्चन ये पर चुका बेटा, ये बार नहीं आया था, इससे ही आया था, जो बाइपोलर है, बाइपोलर में कहां पाया जाता है, तो रेटिना और पाया, और ये क्वेश्चन ये पर चुका है, सही है? तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो ये यहां क्या लिखा है, फाउंड इन, फाउंड इन द, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज मतलब कब का, कौन से होती है वही एम्ब्रियो वाली स्टेज, ठीक है? पेट में बच्चा होता है, ठीक है? नंबर सेकंड का वो बाइपोलर, ये बात है क्या बेटा? अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ये क्या हो गया, साइटोन हो गया, ये देखो ये साइटोन होगा तो डेंड्राइट क्या होगा, एक ही खाली, और एक्सॉन भी क्या होगा, एक, तो ये क्या है डेंड्राइट, और ये क्या है साइटोन, और ये क्या है बेटा एक्सॉन, तो बाइपोलर के टाइप लगाओ, और देखो बाइपोलर लिख के डैश लगाओ, देखो with one axon, with one axon and one dendrite, सही? with one axon and with one dendrite, that's right. with one dendrite, सही है? देख लिया? अब इसका देखो बेटा found in the next point देखो जी, found in the रेटिना ऑफ आई, ये क्वेश्चन इसमें है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? कितना भी छोटे टॉपिक से, रेटिना ऑफ आई, रेटिना कहाँ पर करता हो, आंख में बताओ रेटिना कहाँ होता है बेटा, जो डायग्राम बनता है फोटो किससे बनता है, रेटिना से बनता है, जैसे ये कमरा है,
ये तुम्हारी आंख होगी, ठीक है कमरा। तो अगर ये आपका हो रहा है जिससे हमें नुकसान हो रहा है, तो यहाँ से लाइट आती तो पीछे पड़ेगी खिड़की वाली साइड में, जिसमें पड़ेगी वही होता है रेटिना। सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी, हमारे आई के अंदर। आपको पता है ये जो सबसे सबसे दिख रहा है क्या बोलते हैं, स्क्लेरा क्या बोलते हैं, और जो बड़ा वाला गोला दिख रहा है बड़ा वाला, इसे बोलते हैं पता है क्या, आईरिस। क्या बोलते हैं, आईरिस। और जो आईरिस के अंदर बड़े गोले के अंदर छोटा वाला होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट करने के लिए क्या एग्जांपल के तौर पर प्रोजेक्ट किया। हां ये अंदर सही है। अब देखो और जो बड़ा वाला गोला है इसे क्या बोलते हैं, आईरिस। क्या बोलते हैं, आईरिस। और बड़े वाले गोले के अंदर छोटा गोला होता है, देखो ज्यादा करना होगा, उसे बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। वही तो डॉक्टर होते हैं जो आदमी मरता होता है तो उसे लाइट मार के देखते हैं, बता क्या देखते हैं आपको नहीं पता है, वो डॉक्टर आंख मार के देखते हैं, मूवी देखा होगा डॉक्टर आंख मार के ऐसे देखते हैं, आंख मार के वैसे नहीं लाइट cortex।
सेरिब्रल कॉर्टेक्स और बेटा इसके बाद आप ऐसे कर सकते हो ए मोस्ट कॉमन टाइप कुछ भी लिखो नहीं चाहता ठीक है ये नियम का तो आपको ये बताओ डेंड्राइट और एक्सॉन के बीच में आपने नॉर्मल पढ़ लिया तीन टाइप होता है बेटा तीन टाइप यूनिपोलर बाईपोलर मल्टीपोलर. अब आप लोग नेक्स्ट थिंग डालो सेकंड देखो बेस ऑन द फंक्शन बेस ऑन द फंक्शन अभी हमने किसके लिए पढ़ा था एग्जॉन और एंड्राइट के बेस पे आप पढ़ते हैं फंक्शन के बेस पे कितने टाइप का होता है देखो बेस ऑन द फंक्शन बेस ऑन द फंक्शन सेंटर नर्वस सिस्टम तुम्हारे क्या आता है ब्रेन आता है और स्पाइन कॉर्ड आती है ठीक है दोनों जगह पर
यहाँ पे सी एन एस नहीं कवर नहीं सर एक बात बताओ हाँ इंसान कोमा में उसमें सी एन एस कैसे काम करता है उसमें सी एन एस काम करता है मैं नहीं करता था तो कोमा में सर एक चीज है ना और पैरालिसिस में लेकिन अब मान के हाथ में तो बेटा उसका भी ये होगा नीलो मस्कुलर जंक्शन हो गया वो सब काम नहीं करेंगे वहां से ब्रेन तो सोचेगा भाई हाथ कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा लेकिन वो होगा ही नहीं उससे वो होता है पहले और कोमा का मतलब होता है कि तुम्हारा ब्रेन ही पूरा एक काम नहीं कर रहा है आप सोच ही नहीं पा रहे हो वो तेरे नाम से समान कौन लग गया था वो बुरी आदत सर मैंने किससे क्या किया ठीक है अरे मूवी मैंने कहा बहुत कम देखी लेकिन मेरा मूवी का करने लगा भी है एक मूवी सौ के ज्यादा बहुत जी वो क्या होता है पहले तो कुछ होता है थोड़ा उसके बाद क्या होता है तुम घर आ जाओ पता नहीं क्या रहता है कोई खबर जा रही है किसी बताएगी सेंसरी नर्व के द्वारा कहां सीएनएस तक यानी कि ब्रेन तक अगर आप सीएनएस तक पहुंच गए तो आप ब्रेन अब देखो और इसी को बोलते हैं अपफ्रंट नर्व क्या बोलते हैं बेटा अपफ्रंट और इसके बाद देखो सीएनएस से कोई खबर आएगी क्यों क्या आएगी कोई खबर आएगी सही है तो यहाँ रिसेप्टर होते हैं यहाँ क्या होते हैं क्या होते हैं अब बेटा ये इफेक्टर के द्वारा क्या होगा इफेक्ट हो जाएगा यानी कि हमें क्या मिल जाएगा रिस्पॉन्स क्या मिल जाएगा बेटा रिस्पॉन्स तो ये जो खबर आई किस पर आई मोटर नर्व के द्वारा अच्छा हमारी बॉडी में ऐसी नर्व होती है दोनों काम करती है सेंसरी का भी और मोटर का भी वो हम कमरा को बोलते हैं मिक्स नर्व तो बेटा ये ऐसे करके ये बेस ऑफ द फंक्शन हैंडल करो इसके बाद आपको सेंसरी मोटर यानी कि अपराइट नर्व और इफ्रंट नर्व इसके बाद ये बना देना होना है जी ऐसे थैंक यू मैं तो ये बात लिया हूँ कि कुछ अच्छा लिया
मैंने कहा पूरी पीने के लिए कुछ इंतजाम में वहाँ लगाएंगे और उसके साथ नंबर लिखवा देंगे और बताओ तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे समझ लो मैंने ये बोला कि आपको वो स्टेटस दिया जाती है रिसेप्टर रिसीव करते हैं इसके बाद जो खबर ब्रेन तक जाती है किसके द्वारा जाती है सेंसरी द्वारा यानी कि अपराइटल द्वारा और बेटा जो सीएनएस से खबर आती है उसमें हमें क्या मिलता है रिस्पॉन्स देते हैं तो वो किसके द्वारा आती है मोटर नर्व द्वारा क्लियर बोल क्लियर तो आप लोग ये समझ रहे हो कि आप कैसे ये खबर जा रही है आ रही है कहाँ से आ रही है ब्रेन से बेटा खबर जैसे आपको अभी आपने मैंने देखा वो देखा तो आपको खबर ये ब्रेन तक कैसे गई सेंसरी द्वारा और आपका हार्ट बीट चेक करने लगा वो किसका आएगा मोटर मोटर समझ गए आप लोग चलो इसका क्या है